बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो अहली सुबह बड़ी खबर जो आई वह उत्पाद विभाग की सफलता को लेकर के है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर नूरसराय के डोइया गांव में छापेमारी कर जमीन के भीतर रखे करीब 2 लाख रुपए मूल्य के विदेशी शराब को बरामद किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि इस जगह पर शराब का कारोबार हो रहा है। ऐसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर वहां से शराब को बरामद किया गया है। भू मालिक की पहचान कर उनके ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए सरकार को लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो 21 से 23 दिसंबर तक होने वाले जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की सफलता को लेकर आज स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से DDC वैभव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता के माध्यम से हम बच्चों में शराब के प्रति या नशा के प्रति होने वाले हानियों के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही प्रखंड स्तर पर जो खेलकूद प्रतियोगिता हुआ था उसमें से सफल प्रतिभागियों के बीच यहां 3 दिनों तक विभिन्न तरह के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद के अलावे जिला खेल पदाधिकारी नरेश चौहान भी मौजूद थे। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो 7 सूत्री मांग को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने आज नगर निगम कार्यालय गेट के समीप प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि अब तक जो हम लोग का मानदेय दिया गया है वो पटना के नगर निगम से कम है, उसके बराबर हम लोग का मानदेय दिया जाए और साथ ही जो जो कर्मी को हटाया गया है उन्हें पुनः वापस लिया जाए। इस तरह से कहें तो 7 तरह की मांग है, वर्दी है और भी होम एलायंस है, बहुत सारे मांगों को लेकर कुल 7 मांगे हैं और सफाई कर्मियों का, जिसके लेकर के उन्होंने आज प्रदर्शन किया। वहीं हम चौथी खबर की बात करें तो वो परवलपुर के रन्नू बिघास के ढेकवाहा गांव से आ रही है, जहां सड़क हादसे में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मृतक गनौरी महतो का पुत्र मुकेश लाल सिन्हा और छोटू महतो हैं। वो किसी काम से जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं पांचवी खबर की बात करें तो आज दीदी की रसोई में स्वास्थ्य कर्मियों ने खाना खराब होने को लेकर जमकर हंगामा किया। हालांकि स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा त्वरित मामले को निपटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब भी स्वास्थ्यकर्मी को खाना दिया जाएगा वह बेहतर क्वालिटी का दिया जाएगा। इसके बाद उग्र स्वास्थ्यकर्मी अशांत हुए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ प्रणय कुमार राज, NVT ऑनलाइन, बिहार शरीफ। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NVT ऑनलाइन के साथ।